हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोमल्स किचन एक्सप्रेस। तो आज हम आपके साथ में दो तरह से फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं और साथ ही हम एक चीजी डिप बनाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे दो आलू लिए हैं, इसकी स्किन को हमने अच्छे से रिमूव कर लेना है। तो आलू छिल जाए उसके बाद हमने ठंडे पानी में इसे एकदम अच्छे से धो लेना है। अब इन आलूओं को हमने स्लाइसेस में कट कर लेना है। इस तरह से हमने ज्यादा मोटे स्लाइसेस भी नहीं करने हैं और ज्यादा पतले भी नहीं करने हैं, मीडियम स्लाइस ही करने हैं हमने आलू के। तो सारे आलू के स्लाइसेस हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसमें से हम एक स्लाइस लेंगे और इस तरह से हम इसे लंबा लंबा काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं ठीक इसी तरह से हमने सारे स्लाइसेस को कट कर लेना है। अब इन्हें हम डायरेक्ट पानी में डाल देंगे, बाकी के स्लाइसेस को भी हमने इसी तरह से कट कर लेना है। तो सारे स्लाइसेस हमारे कट हो चुके हैं। अब इन्हें हम पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे, फिर इस पानी को हमने चेंज कर देना है। दूसरे साफ पानी में भी इसे हमने दो से तीन बार अच्छे से धो लेना है। अब इन फ्रेंच फ्राइज को हमने एक कॉटन के कपड़े में ले लेना है। कॉटन के कपड़े में लेने के बाद में इन्हें हमने एकदम अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये एकदम ड्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक ऐड करना है। एक चम्मच जितना हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब इसे हमने हल्के हाथ से एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारे फ्राइज एकदम तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। जब तेल एकदम प्रॉपर गरम हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर एक एक करके जो फ्रेंच फ्राइज बना के रखी हैं वो डाल देंगे। तो फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करते टाइम तेल का प्रॉपर गरम होना बहुत जरूरी है। अब इन्हें हम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंच फ्राइज का कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये फ्राई होके एकदम तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम एक डिश में निकाल लेंगे। ये देखने में काफी क्रिस्पी लग रहे हैं। तो हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार हो चुके हैं। अब इसके लिए हम एक डिप बनाएंगे। तो डिप बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी में मायोनीज लिया है। अब इसके अंदर हम एक चम्मच जितना
शेजवान सॉस डालेंगे, साथ ही हम इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप डालेंगे। अब इन तीनों चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंच फ्राइज के साथ में सर्व करने के लिए एक चीजी डिप तैयार हो चुकी है। ये डिप फ्रेंच फ्राइज के साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप जरूर इसे बना के ट्राई कीजिए। तो अब हम फ्रेंच फ्राइज से बनने वाली दूसरी चीजी फ्रेंच फ्राइज बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक डिश में फ्रेंच फ्राइज को अरेंज कर लिया है इस तरह से। इसके ऊपर हमने जो चीजी डिप बनाई थी वो डिप को हमने इस तरह से सारी फ्रेंच फ्राइज पर लगा देना है। अब इसके ऊपर हम चीज को ग्रेट करके डालेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑरेगानो डालेंगे। तो लीजिए, हमारी चीजी फ्रेंच फ्राइज भी तैयार हो चुकी है। तो हमारी आज की ये दो तरह की फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी और चीजी डिप की रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।